अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हम हायर की न्यू वॉशिंग मशीन 80-12-69-8 kg का रिव्यू लेके हैं आपके लिए। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें ताकि आपके लिए ऐसी वीडियोस लेके आते रहे। तो ये इसका फ्रंट पैनल है, आप देख सकते हैं LED टेम्पर्ड पैनल डिस्प्ले है, वाटर प्रूफ है बटन्स में। तो जो है न्यू इन्होंने ये कलर दिया है, इस दफ़ा सिल्वर कलर है टोटली, डोर का भी ऊपर से और जो है नीचे भी। वाटर इनलेट है ये ऊपर इसकी तरफ दिया हुआ है, ऊपर की तरफ कुछ मॉडलों का इनका बैक साइड पे नीचे की तरफ होता है, इसमें ऊपर की तरफ दिया हुआ है। वॉशिंग वॉट्स की अगर बात कर ले तो इसकी जो कंजप्शन है 400 वॉट्स है, और अगर स्पिनर की बात कर लें तो स्पिन पे ये 300 वॉट्स इलेक्ट्रिक जो है वो कंज्यूम करेगी। ये इसका ड्रेन पाइप है, वॉशिंग के बाद जो है आपको इसको नीचे गिराना पड़ेगा पानी ड्रेन करने के लिए। फोल्डिंग जो है डोर है इसका पीछे की तरफ ऐसे फोल्ड हो जाता है। ये इसका डिटर्जेंट बॉक्स है, इसमें जितना भी आपने डिटर्जेंट डालना है वो इसने एक ही दफ़ा में कंज्यूम कर लेना है, तो उस हिसाब से आपने इसमें ऐड करना है। स्टेनलेस स्टील ड्रम है, ये इसका वाटर इनलेट पाइप है, ये आप देख सकते हैं। ये इसका फ़िल्टर है जो आप मंथली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे भी साफ़ कर सकते हैं, जो ज़र्रे वगैरह होते हैं धागे वगैरह वो इसमें जो है वो कैच कर लेता है उसको। तो जी अब इसका मैं आपको एक छोटा सा डेमो दे देता हूँ, जो इसका मेमोरी बैकअप भी है इसमें। इसको मैंने ऑन किया, ये राइट साइड पे आपको पावर का बटन नज़र आ रहा होगा, यहाँ से आपने इसको ऑन कर लेना है। और जो इसका फिर ये फंक्शनैलिटी है, इसकी फंक्शनैलिटी वाला बटन है, मैं इसको इस आपको बिल्कुल शुरू से जो है इसका वो गाइड करने की कोशिश करता हूँ। ये पहला ऑप्शन, ठीक है, इसमें वॉश रिंस और स्पिन सेलेक्ट हो गया ऑटोमेटिकली, तो आप इसको सेलेक्ट करके स्टार्ट कर देंगे अगर आपने तीनों ऑप्शंस कैरी करने हैं, वरना आप अगर सिंपल वॉश करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। फिर जो है उसके बाद अकेला स्पिन करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, तीनों ऑप्शन सेपरेट सेपरेट भी यूज़ कर सकते हैं आप। फिर नीचे टब ड्राई का ऑप्शन है, जिसमें ये अपना टब जो है वो ड्राई करता है, खाली स्पिन करेगा उस पर अपना जो है। फिर नॉर्मल सॉक और ये ऑप्शंस भी इसमें ऐड किए हुए हैं, डेलिकेट्स और क्विक। डेलिकेट्स में ज़्यादा गंदे कपड़े, और जो है सॉक में भी जो है वो कपड़ों को कुछ देर भिगो के रखता है ताकि जो है वो सर जो उसका मैल कुछ आयल है वो ज़रा अच्छी तरह से रिमूव हो जाए। तो ये सारी चीज़ें ऐड करने, सर्फ ऐड करने के बाद ये वाटर लेवल सेलेक्ट कर सकते हैं आप मैन्युअली, ठीक है। जो उस क्विक में है उसमें वाटर लेवल जो है वो बिल्कुल माइनर होगा, मतलब 2 पॉइंट से ऊपर नहीं जाएगा, तो आप नॉर्मल पे या वॉश रिंस स्पिन मैनुअल पे जो है वहाँ पे आप अपने हिसाब से उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपने स्टार्ट का बटन है, ये स्टार्ट प्रेस कर देना है, और इसी से आप साइकिल रोक भी सकते हैं। अगर चलते हुए साइकिल को रोकना चाहते हैं तो इसी स्टार्ट बटन को दोबारा प्रेस करेंगे तो वो स्टॉप हो जाएगा। तो मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।